नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 24, सोशल साइंस क्लास 6, ज्योग्राफी लेसन 5, मेजर डोमेन ऑफ अर्थ। वर्कशीट नंबर 24। बच्चे, यहाँ आप अपना नाम लिखिएगा और यहाँ अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का नाम। टॉपिक है लिथोस्फेयर। द अर्थ इज ओनली द प्लैनेट विच हैज लाइफ। एक अर्थ ही है ऐसा प्लैनेट जहाँ पे लाइफ है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हेयर। मनुष्यों के रहने की ये जगह है, यहाँ हम रह सकते हैं क्योंकि लाइफ जो है सस्टेनिंग एलिमेंट्स, जो भी लाइफ के लिए चीजें चाहिए, जो लाइफ कायम रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो चीजें चाहिए, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ये सब अर्थ पे प्रेजेंट है। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के 70% अर्थ जो है पानी से कवर है, वाटर से कवर है 71%, और 29% लैंड है। जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, ऑन विच वी लिव, जिसपे हम रहते हैं, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है बच्चों। इट कंप्राइज ऑफ रॉक्स, उसपे चट्टाने भी होती हैं। अर्थ का क्रस्ट है, थिन लेयर है सॉइल की, देख रहे हैं ना आप लोग, ये सारा का सारा है लिथोस्फीयर। तो वर्ड देखिए, जो लिथो है वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, लिथोस मतलब कि स्टोन, चट्टानों से जो बनता है जगह, जमीन जिसपे हम लोग रह पा रहे हैं। एटमोस यानी कि वेपर, और हॉर्डर मीन्स वाटर, बायोस मीन्स लाइफ। तो ये सब चीजें जो है वर्ड है जिसको आपको समझना है कि लिथोस्फीयर कैसे बना है। गैसियस लेयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फीयर। अर्थ के चारों तरफ जो गैस का एनवायरनमेंट है ना, चारों तरफ गैस ही गैस है, उसे एटमोस्फीयर कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है उसमें, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेस हैं। अच्छा, जो एरिया वाटर वाला है, पानी पानी का एरिया है अर्थ के सरफेस पे, उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, चाहे वो आइस की फॉर्म में हो, चाहे वाटर वेपर हो, चाहे वाटर हो, लिक्विड हो। आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, ये लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमोस्फीयर, और सारा मिला के बन जाता है बायोस्फीयर। इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर, सब कुछ मिलता है, उस सबको बायोस्फीयर कहते हैं, उस पूरे एरिया को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्लियर है? आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने पढ़ा है लिथोस्फीयर में और एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या क्या होता है। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। 4 मेजर डोमेन्स कौन कौन से जो हमने पढ़े, वही हैं लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। उसे ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह क्यों कहते हैं? बिकॉज 71% अर्थ जो है वो कवर है वाटर से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट, व्हाई बायोस्फीयर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर है, बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहां पे हमें लैंड, वाटर, एयर सब मिलता है एक साथ, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बताइएगा, लिथो जो है ग्रीक वर्ड, कौन से ग्रीक वर्ड से बना है, उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।